हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रवि चौधरी। आप देख रहे हैं चौधरी शाहप्रिया यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आप शिरक द थर्ड गेम आप अपने डिवाइस में कैसे प्ले कर सकते हैं। ये एक पीपीएस सिमुलेटर गेम है, तो ये गेम आपको जो है एंड्रॉयड में जो है प्ले करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गेम और एप्स वीडियो डालता रहता हूँ। तो अपने गेम को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है। तो मैं जूसी ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। इसके बाद आपने गूगल में सर्च करना है अपनी गेम को, शिरक द थर्ड, और मैं और गेम ISO, तो आपने जे टाइप करना है गूगल में, तो इस पर सर्च करना है। तो ये देखिए यहाँ पर पहली वेबसाइट आएगी एमओ पैराडाइज वाली, तो आपने इसको ओपन करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको नीचे आना है। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड दी शिरक द थर्ड USA पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ से इसका गेम डाटा जो है डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए 322 MB की इसकी फाइल होगी, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, तो मैं इसको ले लेता हूँ। इसके बाद आपने जूसी ब्राउज़र से बाहर आ जाना है और प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है PSP एमुलेटर। तो अपने PSP पे सर्च करना है। देखिए पहला ही ऐप आ जाएगा, तो इससे आप तो आपने इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसका जो है पेड वर्जन डाउनलोड किया, तो मैं इसको ले लेता हूँ। इसके बाद आपने एक और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है रेयर, तो आपने रेयर ऐप को भी जो है डाउनलोड करना है इस ऐप को। तो दोनों ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने होम पेज पे जाना है, तो आपने रेयर ऐप को जो है ओपन करना है। रेयर ऐप को ओपन करने के बाद आपने जहाँ भी इसकी डाटा फाइल को डाउनलोड किया था उस फोल्डर में जाना है। तो ये देखिए जहाँ पर भी इसकी डाटा फाइल होगी, तो आपने इसको मार्क कर लेना है। ये देखिए 321 MB की इसकी फाइल होगी, तो आपने इसको मार्क करके ऊपर देखिए एक्सट्रैक्ट, इसके बाद आपने इसको ब्राउज करना है। तो आपने इसको अपनी इंटरनल स्टोरेज में ब्राउज करना है, तो आपने इंटरनल स्टोरेज में जाना है। इसके बाद आपने इसे किसी भी फोल्डर में जो है एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो मैं इसको इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ओके। इसके बाद आपको फिर से इसको जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी जो है गेम जो है रन कर पाएगी। तो इसके बाद आपने ऐड को क्लोज कर देना है। इसको ये देखिए सबसे नीचे देखिए एक और फोल्डर जो क्रिएट हो चुका है, तो आपने इसको भी मार्क कर लेना है। मार्क करने के ऊपर फिर से एक्सट्रैक्ट, इसके बाद आपने जहाँ पर इसको ओके कर देना है। तो ये देखिए जहाँ पर इसका जो है ISO जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने इसकी डाटा फाइल को 2 बार एक्सट्रैक्ट करना है, तभी आपकी गेम जो है रन कर पाएगी। तो अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप मुझको बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने होम पेज पे आ जाना है और सभी टैब्स को जो है क्लोज कर देना है। इसके बाद आपने एमुलेटर को ओपन करना है। तो ये देखिए मैं एमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद हम गेम को ओपन करेंगे। तो आपने जिस भी फोल्डर में इसकी डाटा फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, तो आपने उस फोल्डर में जाके गेम को जो है सर्च कर लेना है और गेम को प्ले कर लेना है। इसको मैं इसको स्किप कर देता हूँ, इसको भी। इसके बाद हमारी ये जो गेम प्ले हो जाएगी, तो मैंने पहले से इसको जो है खेला हुआ है, तो ये कंटिन्यू पे दिखा रहा था। तो ये देखिए हमारी जो गेम जो है स्टार्ट हो चुकी है।
तो आपने सभी स्टेप को जो है फॉलो करके गेम को रन कर लेना है और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, तभी आपकी गेम जो है रन हो पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।